खाते हुए मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज मत देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट वुड मीन अ लॉट इफ यू स्पेयर अ सेकंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का दिन हो गया स्टार्ट और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। आज मैंने व्लॉग लेट स्टार्ट किया क्योंकि बहुत ठंड है यार, क्यों जाना बाहर और क्यों उठना जल्दी। वैसे मैं आज 8 बजे उठ गई थी क्योंकि जो आज आपने व्लॉग देखा होगा वो मैंने सुबह ही एडिट किया है, सुबह ही डाला है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी इस मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने कुछ खास किया नहीं, खाना पीना सब बिस्तर में ही था, ब्रश व्रश करके हम बिस्तर में बैठ गए थे। तो आपको पता है नेचुरल लाइट में आके मुझे इंट्रो शूट करना पड़ता है, इसलिए ऊपर आना पड़ता है और ऊपर आने का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैं इसलिए आज लेट आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा सा अच्छा, इन द सेंस जो फॉग थी वो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी फॉग थी सुबह तो वो नहीं थी। तो मम्मी ने बोला जाके इंट्रो शूट कर लें, नहीं तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी इवनिंग में, और अपना व्लॉग स्टार्ट करो। कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए, तो जो भी है वो मैं दिखाऊंगी, जो भी करूंगी आज दिन में वो दिखाऊंगी। अभी तो मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है, अभी व्लॉग व्लॉग डाल दिया है, ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, डुगू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को फ़ोन करना है। अभी एक बार कर चुकी हूँ, डॉक्टर ने उठाया नहीं, उन्होंने बोला है कि 1 घंटे बाद कॉल बैक करेंगे क्योंकि वो तो कॉल बैक कर लेते हैं, तो 1 घंटे बाद कॉल बैक करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन देनी है उसको, क्या करना है। तो बस यही चल रहा है अभी तक, 12:30 हो चुके हैं और अभी देखते हैं कंटेंट को निचोड़ेंगे आज, क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। जो मुझे करना है वो जब ठंड कम होगी, धूप निकलेगी, रोशनी नहीं कर सकते, कुछ वीडियोज़ का काम है, कुछ और चीज़ें हैं जो बाहर जाकर ही करना पड़ेगा। तो आज मैं भूल गई थी कि आज सैटरडे, ऐसा ही चीज़ें बंद होगी तो बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, और मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, सॉरी गाइस। तो अब ठीक है, तो कर्फ्यू लगा हुआ है तो बाहर जा नहीं सकते और घर में क्या ही करें, रोज रोज क्या ही दिखाएं, बच्चे भी नहीं खेलते, ज़्यादा ठंड होते ना बच्चे भी प्ले नहीं करते, वो भी बिस्तर में रहते हैं। जो भी होगा हम आपको दिखा देंगे और सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और कुछ दिन यही चलने वाला है, जब तक ठंड होगी और ये कर्फ्यू वगैरह चल रहा है तो यही चलेगा क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और घर में कितना ही शूट कर लेगा बंदा अकेला। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, मैं जाती हूँ नीचे और गट्टू को देख लेते हैं, उसको क्या दवाई वगैरह देनी है, डॉक्टर का कॉल आएगा तो फिर देखते हैं, अदरवाइज उससे पहले मैं थोड़ा सा उसको खिलाने पिलाने का कोशिश करती हूँ क्योंकि वो कुछ नहीं खा रहा है। तो चलो चलते हैं नीचे, और यहाँ मैंने दूध गर्म कर दिया है, देखते हैं डुगू पीता है या नहीं पीता। सुबह से 3 बार दे चुके हैं बट वो नहीं पी रहा है, तो अभी देखते हैं, नहीं पिया अभी भी नहीं पी रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया इसको आज। और अब हम जा रहे हैं ये वाली मेडिसिन चेंज करने, जो केमिस्ट वाले ने गलत दे दी थी, तो अब 2 शॉप आ रहे हैं उन पे देखेंगे, कल भी नहीं मिले आज हम देखने जा रहे हैं। और ये बाहर आते ही पागल हो गए, अंदर बच्चे रो रहे हैं, तो अभी हम पार्किंग में जाएंगे, स्कूटी की चाबी स्कूटी निकालेंगे फिर जाएंगे। और ये देखो मैंने बोला था ना आपको कल भी, इतना शोर डाल के रखते हैं ना ये लोग बाइक को, देखो कितना शोर कर रहे हैं, और एक इनको चैन नहीं होता। हम बाहर आते हैं, हमारे पीछे पीछे तक ये पार्किंग तक आएंगे और हमको छोड़ कर आएंगे वहाँ तक, मतलब बाहर निकलते सारे गली के जितने भी बच्चे हैं ना सारे पीछे लग देते हैं कि हमें चीज़ लाओ चीज़ लाओ चीज़ लाओ। आज सैटरडे है, कर्फ्यू है, देखते हैं शॉप्स खुली मिलती है नहीं मिलती है, होप सो खुली हो क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज ये। और आज जो डुगू है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो लूज मोशन लगे हुए उसको, सुबह से 5 बार ही पॉटी कर चुका है और पॉटी में उसको कीड़े आ रहे हैं, रोज रोज पॉटी की बात करते रहती हूँ मैं ब्लॉग में, पर मैं क्या करूँ यही है ज़िंदगी में, तो यही बताना पड़ेगा आपको। मैं पहुँच गई हूँ अपने पार्किंग में, हम यहाँ से स्कूटी निकालेंगे और जाएंगे, दीदी भी जा रही है मेरे साथ, मैंने तो दिलाया नहीं, मेरी दीदी को पटा दिया, उन्होंने दीदी के पीछे पड़ गए तो दीदी ने उनको अभी रस खिला रही है। देखो माँ बेटे दोनों है दो, और वो बैठा है कोरोना हेरा, ये सोता रहता है और ये खा रहे हैं रस। और अब हम निकल रहे हैं, तो हमने ले लिया अभी दवाई और हम निकलने लगे हैं, ये मेरी बहन है। चलो थैंक यू भैया, अब हम जा रहे हैं, हमने मेडिसिन ले लिया है, सेरेलैक लिया है, मेडिसिन ली है डीवॉर्मिंग की, और लिया है क्या जो मेडिसिन मिल रही थी ना वो वाली मेडिसिन, इस वाली शॉप पे मिल गई, 2 दिन से बंद थी पता नहीं क्यों, आज खुली, हमने फ़ोन करके पहले पूछा मॉर्निंग में कि खुली है या नहीं खुली, तो आज खुली हुई थी तो फिर हमने ले लिए। अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ मेरी बहन लेके जा रही है क्योंकि हम मार्केट आए हैं तो शॉप तो ज़्यादा खुली है नहीं और लोग भी ज़्यादा नहीं है जितना होते हैं हमारी मार्केट में। मेरे बाल निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कैप लगा के घूम रही हूँ, हुडी पहनी हुई है मैंने और कैप लगा के घूम रही हूँ, और हमको बीमार होने का कोई शौक नहीं है। तो बस मेरी बहन मेरे को पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, जब भी दीदी के साथ मार्केट आते ना पता नहीं कहाँ, इस दीदी के पीछे पीछे घूमते रहो वो बताएगी नहीं कि कहाँ जा रही है, लेकिन पीछे पीछे घूमो। तो चलो अब देखते कहाँ जा रहे हैं, आई थिंक दीदी को पैसे निकाल लें, कहाँ जाएगी पैसे निकाल लें, ATM आज मिला पापा इसका, तो
हम पैसे निकाल लेते हैं फिर उसके अपने घर जाते हैं और बच्चों को दवाई देंगे क्योंकि उसको चक्कर आ रहे हैं। हमने उसको पॉटी करने के लिए बाहर भेजा था, फिर मैंने पॉटी की बात करते हैं, पूरे ब्लॉग में पॉटी पॉटी करते रहते हैं। तो वो वॉक कर रहा था, उसको आई थिंक चक्कर आ रहा है, वो गिर जा रहा है। तो डॉक्टर से अभी भी बात हुई है मेरी, तो उन्होंने दवाई बता दी कि क्या दे रहे हैं। उन्होंने बोला डीवॉर्मिंग की दवाई दो, जो क्लियर वाली दवाई होती है वो देनी है, फिर उसके आधे घंटे बाद हमें उसको खाना देना होगा। तो हम आ गए एटीएम, दीदी निकालेगी पैसे, उसके बाद हम जाएंगे घर। घर पहुँच के फिर आपसे मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हाथ निकालने में ठंड ज़्यादा लग रही है मेरे को। हम मिलते हैं घर पर जाकर। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने पानी गर्म किया है, पानी में सेरेलेक बना के दूंगी क्योंकि दूध जो होता है वो हैवी हो जाता है। डॉक्टर ने बोला इसको पानी में ही सेरेलेक देना है और इसने सेरेलेक खा लिया था, बहुत अच्छे से खाया था। तो मैं थोड़ा सा दिया था, थोड़ा थोड़ी देर बाद दूंगी। अभी हमने चलाई है आग क्योंकि हो रही है ठंड और इवनिंग के हो गए 4, हम सब चाय पीने लगे। हीटर है नहीं हमारे पास, हमारे पास हीटर है लेकिन हमारे घर में कोई स्विच नहीं लगाने वाला। हम किसी भी स्विच में उसको लगाते हैं तो हमारा ना लाइट चली जाती है, घर की एमसील गिर जाती है। तो वी आर वेरी गरीब, देखो हमारी दीवार भी टूटी हुई है पीछे, हम बहुत गरीब है। ये मेरा भाई, ये हमारा भाई पूरा दिन काम बताते रहते हैं। ये मेरी मम्मी लकड़ियाँ मांग रही है सबसे, पता नहीं पूरे दिन इनकी छुट्टी है, 3 दिन की, 1 दिन मकर संक्रांति की छुट्टी है। ये अंकल मेरे को कोई ब्लॉग नहीं बनाने देता, 3 दिन से छुट्टी है भाई साहब, कभी ये लिया कभी वो लिया, ये लिया वो लिया, ये कर ले वो कर ले, बस ये कर दे रहा है। और मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है बताने के लिए, तो मैं इसको कैच कर रही हूँ आज। ये 4 दिन से 4 घंटे से एक ही बात बोल जा रहा है, जा लिया फटाफट, इसको पता मैं ला के दूंगी नहीं। फिर भी ये मेरी मम्मी घटिया से आइडिया देती रहती है, इसका ब्लॉग मूंगफली खाते हुए ब्लॉग बना ले, मूंगफली खाते हुए देखा नहीं लोगों ने। मैं कह रही मम्मी व्लॉग के लिए कुछ तो करो, ये व्लॉग मैं इसके टीओ के बारे में कुछ बताता हूं। इसको पास से जाकर ज़ूम करो ना, ये ना जैसे तेज बोलो, ये ना वो है जैसे होता है ना पंजाबी लोग होते हैं उनके मुँह से दाढ़ी बहुत होती है, इसका पार्लर में ले जाना। तो ये भी वही है, ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, देखना इसकी दाढ़ी मुझे बहुत ज्यादा। पीयू वो भाग गई, वो हम किसी और दिन कैच करेंगे, उसके ना यहाँ सारी दाढ़ी मूछ आई हुई है। तो हम उसको बोलते हैं भाई पार्लर में जा और वहाँ से थोड़ा सेट करवा के। ये सुबह से इसको परेशान कर जा रहा है क्योंकि इसको ना इसको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है और ये इसको कुछ बोलता नहीं है और ये इसको पागल बना रहा है। इसको इचिंग भी हो रही है, तो सुबह से खुजली कर रहा है, सुबह से पॉटी और खुजली यही कर रहा है। फिर मैंने पॉटी बोल दिया, मैं पूरे ब्लॉग में पॉटी पॉटी कर जाती हूँ क्योंकि आज पूरे दिन पॉटी पॉटी चल रहा है और कुछ है ही नहीं ब्लॉग में। पूरे दिन कुछ निकाल, ठंड के मारे हम अंदर बैठे हुए और ये पॉटियाँ कर जा रहा है, तो हम इसकी पॉटियाँ साफ कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है आज करने के लिए। देखो देखो कहाँ से ये लग रहा है कि ये नया कुत्ता है घर के अंदर, देखो देख रहे। और सुबह इतनी ज़्यादा इसकी तबियत खराब थी, उठ ही नहीं रहा था भाई, उठा ही नहीं सुबह से। अभी अभी सारे लग खिलाया तो ये थोड़ा सा उठा है। और प्लीज़ हमारे गंदे से फर्श को इग्नोर कर सकते हैं आप क्योंकि ये सारा टूटा है, हम गरीब है ना, तो सब टूटा। तो हमारे पैसे नहीं है इसको लगाने के लिए, तो हम थोड़ा सा मैनेज कर लो आप, ये मत बोलना गंदा है, ऐसी है सबका घर ऐसी होता है। शाम के बज गए हैं 5 और यहाँ मैं 3-3:30 बजे जब मैंने चाय पिया था ना, उसके बाद से मैं अपने बिस्तर में कंबल में आके बैठी हूँ और कुछ नहीं किया कुछ भी। ठंड इतनी ज़्यादा ना, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो यहीं बैठे हुए 2-2.5 घंटे हो गए और अभी ऊपर भी नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर भी मौसम ऐसी सा हो रहा है, हल्का हल्का ऐसा लग रहा है, बारिश जैसा हो रहा है, तो बाहर निकल ही नहीं सकते। तो घर के अंदर मैं क्या दिखाऊँ मेरे को समझ नहीं आता, तो जो है वो तो दिखाई दूँ। खैर यस, तो पहले मैं लेटी थी, अब मैं बैठ गई हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने अभी एक व्लॉग में देखा कि व्लॉगिंग कैसे करनी है, तो वो बोल रहे कि प्लेस चेंज करके ब्लॉगिंग करो तो आपके व्लॉग्स लोग देखेंगे, आपके लोग आपको पसंद करेंगे। तो मैंने थोड़ा, मैं लेटी थी, मैं थोड़ा उठ गई हूँ और मैंने बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं, तो देखता है हमारा व्लॉग कौन देखता है। हाँ आइस टेस्ट कर लो, तो प्लीज़ हमारे फर्श को थोड़ा इग्नोर करना, ये टूटा हुआ फर्श है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम थोड़े गरीब हो गए। अब लोग बोलते हैं तुम काहे के गरीब, 5 कुत्ते तुम्हारे घर में, कुत्ते हैं वो दूध थोड़े ना देते जो हम बेचेंगे और पैसा आएंगे हमारे पास। भैंस होती तो समझ आता कि हाँ लोगों को लगता कि हाँ चलो भैंस है दूध बेचेंगे, इतना महंगा दूध बिकता है और पैसे आ रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं, पर भाई कुत्ते हैं खाते हैं और बस। क्योंकि बहुत बार मैं नाम ले चुका है पूरे दिन में, तो मैं और नाम नहीं लूँगी क्योंकि कोई रोटी खाते हुए मेरा ब्लॉग देखेगा तो उसको घिन आएगी। तो अगर आप रोटी खाते हुए मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए, वैसे मेरे ब्लॉग ज़्यादा लोग देखते नहीं है, उसमें भी अगर कोई रोटी खाते हुए देख रहा है तो आपको घिन चढ़ेगी, आप मत देखना ठीक है, क्योंकि जो है वो तो दिखाई रही ना, मैं जो है वही तो दिखाएंगे ना। तो हम बहुत देर से पड़े हुए थे और
मैंने देखी है कुछ यूट्यूब पे वीडियो कि अपने चैनल को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कुछ यूट्यूबर्स की तरह ना तकिया बन यार तू इधर कैसे ग्रो कर सकते हो। तो अभी मैंने उन्होंने बोला है कि आप बैकग्राउंड चेंज कर करके वीडियो बनाओ तो लोगों को पसंद आता है आपका, मतलब लोग मेरे को नहीं देखेंगे बैकग्राउंड को देखेंगे, बैकग्राउंड चेंज करके बनाओ। हमारा बैकग्राउंड चला गया, ये बैकग्राउंड इधर, तो ये हमारा बैकग्राउंड, तो ये और ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मतलब रात को दिन को जो होता है वो नहीं होता है, बिक्की बेताल नहीं होती, बिक्की बेताल मैं बिक्की हूँ, ये बेताल है पूरा टाइम, ये मेरे सर पे ऐसे बैठ रहता है, मैं सो रही हूँ, जग रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, इवन मैं जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाते नहीं, वॉशरूम के बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है, पता नहीं क्यों इसको क्या प्यार है मेरे से। अभी मैं तो मुद्दे पे आते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, पहले ये लाल दीवार थी जहाँ मैं बोल रही थी बैठ के, अभी ये ब्राउन है, कुछ मेरे पीछे कुत्ता बैठा है, तो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो क्या आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, कर देना यार, मैंने बैकग्राउंड चेंज करा है, देखो अभी मैं उस वाली दीवार पे जाके बनाऊंगी वीडियो, मिलते हैं वहाँ पे, बैकग्राउंड चेंज करना है, उन्होंने ऐसा बोला है व्लॉगर में, तो मैं बैकग्राउंड चेंज करके बनाती हूँ वीडियो, रुको। हे गाइस, बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है, मेरे को बोला गया है बैकग्राउंड चेंज करके वीडियो बनानी है, मतलब बोला नहीं गया ऐसा, मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज में मैंने देखा, तो वो लोग कह रहे कि आप बैकग्राउंड चेंज करके बनाओ वीडियो, तो अभी मैंने बैकग्राउंड बना दिया। गाइस बैकग्राउंड चेंज, मेरे बैकग्राउंड में इंसान आ गया, ये मेरी बहन है, ये वो नहीं टॉम एंड जेरी में जो वो नहीं आती थी जेरी की मम्मी नहीं आती थी जो शक्ल दिखाती थी, ये वो बन के घूम रही, क्योंकि इसको बहुत ठंड लग रही है, इसका गरीब वाला ऑफिस दिखाती मेरे को। गाइस देखो ये टॉम की मम्मी है, यार इसे देखने में ऐसी लगती है, रुको फ्रेश, यह आगे से थोड़ी सी गोरी लग रही है, ठीक है, और यहाँ गिर रही है बर्फ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ऑफिस है, ये इसका ये सिस्टम लाई है, ठीक है, इसको जुगाड़ करके रखा है, ये इसका गरीब वाला ऑफिस है, ऑफिस में जूते उतारते हो, ऑफिस मंदिर होता है, तुमको अक्कल नहीं है, मंदिर में तुमने जूते उतारे हैं, एक जूते उतारे, इतनी ज्यादा ठंड है, एक जूते उतारे, नीचे से दिखाऊंगी मैं आपको, ये जूते उतारे और एक जूते पहने, इतनी ज्यादा ठंड है ना कि मल्टीपल चॉइस से जूते निकाले जाते हैं। गाइस हमारी दिवाली को इग्नोर करना, हम थोड़े गरीब है, और यहाँ पे इन्होंने देखो ये भी पहन रखा है, ये अमीर वाला होता है थोड़ा, ये पहन रखा है, इसके अंदर इन्होंने लेयर पे लेयर अंदर होगी, इतनी मोटी है नहीं जितनी दिखती है। गाइस ये हमारे पास गरीब वाला हुआ है, चेयर होता है ना ऑफिस में, ये है नहीं, वो पीछे हमारे कपड़े रखे धोने के लिए, आज हमने अपने घर की सच्चाई दिखा दी है, ऑफिस में ही मंचिंग के लिए कुछ रखा हुआ है, जूठा बर्तन रखते हो गाइस, ये गंदी लड़की है, ऑल आउट भी रखा हुआ है जो लगाया नहीं, क्योंकि एक ही स्विच है हमारे घर में जिसमें इसने ये लगा दिया, इसका सिस्टम जिसमें इसने ये लगा दिया है, ये इनका ये है, ये इनका ये है, तो ये ऑल आउट यहाँ रखा है। गाइस कुछ नहीं है, ये हैरी पॉटर चल रही है, बैकग्राउंड चेंज करा हमने क्योंकि दीदी मैंने ना भी वीडियो देखी, देख मैं दीदी को बताऊँ, कौन से वीडियो दीदी, थोड़ा तेज बोल, मेरा ब्लॉग चला है, कौन से वीडियो, मैं सबसे कंटेंट निचोड़ रही हूँ आज, निचोड़ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने आज वीडियो देखी कि अपने चैनल को कैसे ग्रो करना, वीडियो कैसे बनानी चाहिए, वो कह रहा है कि तुम्हें बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए, तो मैंने सुबह से पांच सारी दीवारों पर बना दिया, कोई बैकग्राउंड नहीं, नाले पे चली जाओ, नाले पकड़ लो, मैं बहन कुछ कह रही, क्या कह रही दीदी, नाले पकड़ लो पीछे, उस पे ऐसे बैकग्राउंड बहुत बढ़िया बढ़िया आएगा, नहीं कह रही नाले पे खड़ी हो जाए, उस पे बहुत अच्छा फ्लोटिंग फूड भी आता है और नाले पे कुत्ते भी हैं पीछे, तो तेरा बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। मैंने अपने घर की जितनी अच्छी दीवारें थी ना सारी दिखाती हैं, इसके बाद भी अगर तुम लाइक नहीं करते ना मत करो, फिर मेरा क्या जा रहा है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, बनाऊंगी मैं, मेरी मर्जी होगा सॉरी, मेरी मम्मी कह रही है घर की सारी सच्चाई दिखा दी है, गरीब गरीब करके बैकग्राउंड के चक्कर में सारी दीवारें टूटी फूटी सब दिखा दी है, पर गाइस यही है घर में हम, सॉरी टूटी दीवारें, अब यही है घर में तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो है वही तो दिखाएंगे ना, बाहर हम जा नहीं सकते, ऊपर ठंड लग रही है, ठीक है, और कोई काम है नहीं, कुत्ते खेल नहीं रहे आज तो मैं क्या दिखाऊं, कल कुत्ते खेल रहे थे, मतलब मेरे बच्चे खेल रहे थे तो मैंने वो दिखा दिया आपको, और आज वो भी नहीं खेल रहे तो मैं क्या दिखाऊं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। मेरी मम्मी बोल रहे रोज वीडियो, मेरी मम्मी बोलती है रोज वीडियो डालो, तो अब रोज वीडियो क्या डालें, क्या बताओ आप, कुछ डाल सकते हैं, तो आप यही टूटी दीवारें दिखाऊंगी और क्या दिखाऊंगी रोज वीडियो में, मैं क्या मुजरा करूँ बैठ के, देख लेना यार आप, मैं जा रही हूँ बैकग्राउंड चेंज करूँगी, अब बैकग्राउंड ढूंढते चलो, मैंने सारी अच्छी दीवारें दिखा दी, यहाँ थोड़ी सी लाइट आएगी क्योंकि मैंने यहाँ रिंग लाइट जलाई हुई है, अरे बैकग्राउंड गंदा हो गया, गंदा बैकग्राउंड नहीं गाइस, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ये हो गया पिंक दीवार, उधर बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया था, तो मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर रही हूँ यार, प्लीज मेरी वीडियो देखो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे देख के लाइक कर दो बस, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन देख रहे हो तो लाइक तो कर दो ना। चौथा बैकग्राउंड चेंज किया क्योंकि मैं वीडियो देखा ना उसमें बोला उन्होंने बैकग्राउंड चेंज करो, तो मैंने बैकग्राउंड चेंज करते, अभी एक और चेंज करते, रुको ये रहा नेक्स्ट बैकग्राउंड, ये है ये प्याजी कलर,
क्या बोलते हैं इसको, पर्पल कलर, पर्पल पर्पल कलर। तो एक और बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया, प्लीज मेरी वीडियो देखो गाइस, प्लीज देख लो ना यार, मैं बना नहीं रही, मेहनत नहीं कर रही, प्लीज देख लो, मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आप देख के लाइक तो कर ही सकते हो। मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत सारी वीडियो में बोला गया है कि बैकग्राउंड चेंज करोगे ना आपको लोग पसंद करेंगे, तो प्लीज गाइस पसंद करो मेरे को, थोड़ा सा कर लो, एक बार लाइक कर दो बस, एक ही वीडियो पर कर दो ना, कोई बात नहीं। चलो अब मैं जाती हूँ यार, काम करूँगी, तुम तो लाइक करना नहीं, मैं ही काम कर लूँ, कुछ तो करूँ ना। मैंने बैकग्राउंड बना दिया, दिन को मैंने बनाई थी जब लाल बैकग्राउंड था, फिर मेरा कुत्ता बैठा हुआ था पीछे, मेरा बेटा, और अब है ये हमारे डिज़ाइन वाला बैकग्राउंड। और आज मैंने दिन में कुछ नहीं किया है, पूरा दिन ऐसे पड़े पड़े निकल गया है, और कुछ खास था ही नहीं करने के लिए, क्या करें, पूरा दिन बैठ के समझ ही नहीं आता क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, और हम कुछ क्या करें, क्या करें बताओ, आप हमें कमेंट करके बताना हम घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या मार्केट गए थे, वहाँ पे सारी दुकानें बनती हैं, हमें लगा था शॉप्स वगैरह खुली होंगी तो हम कुछ सामान लेके आएंगे, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ खाना बनाने का, खाने का लेकर आएंगे, बट सब कुछ बंद था तो हम कुछ नहीं लाए, खाने की तो एक भी शॉप नहीं खुली थी, तो हमने सोचा था आज पार्टी वार्टी करेंगे तो कुछ करेंगे, बट कुछ था ही नहीं, तो हमने घर में आलू के पकौड़े बना लिए जो आपने देख लिए, बस यही था पूरा दिन, हमने यही किया। और हाँ, डुगू की तबीयत अभी ठीक है, उसने खाना पीना खा लिया, मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कल भी मैंने यही दिखाया था, और परसों भी थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया था कि डुगू ने क्या खाया पिया है, तो सुबह की क्लिप में भी मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी तबीयत खराब थी, बट अभी इसकी स्टिल तबीयत ठीक है, स्टेबल है, और अभी सुसु पॉटी नहीं कराया, फिर से एक बार पॉटी का नाम ले लिया, तो खाना खाते हुए प्लीज़ मेरे ब्लॉग मत देखना जब तक ये डुगू की तबीयत ठीक नहीं होती, क्योंकि जो है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो अभी ठीक है, इसने सेरेलैक वगैरह खा लिया, दवाई वगैरह दे दिए, और अभी शैतानियां करना इसका स्टार्ट है, अभी भी कुछ चबा रहा है बैठ के, भगवान मालिक क्या चबा रहा है, मैंने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पूरा दिन इसके पीछे भागते भागते मैं पागल हो गई हूँ, तो अब मैं बोलती भाई तू कर ले, बाद में हम संभाल लेंगे। तो बस यही था आज के व्लॉग में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो कर देना, अगर करना चाहो, मैंने बैकग्राउंड भी चेंज किया है, प्लीज कर देना, वो लाल बटन आ रहा है ना जो, उसको ऐसे दबा देना, और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी ऐसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियोस को देख पाए। ऐसा भी बोलना था वीडियो के एंड में, जो मैंने वीडियोस देखी उन्होंने बोला कि आपने चैनल पे ऐसा बोला करो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन लोगों के पास जा सके। तो मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं, इसके बाद भी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने तीन बैकग्राउंड भी चेंज किए, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, मैं तो डालूंगी वीडियो, है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वीडियो तो मैं डाल ही दी हूँ, 50 लोग तो देखते हैं ना मेरी वीडियो, 50 नहीं 24 लोग देखते हैं, 24-25 लोग तो जेन्युइन जो सब्सक्राइबर है ना मेरे चैनल पे, वो 24-25 लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको अच्छा लगता हूँ मैं, मतलब मेरे को इतनी खुशी है ना 24-25 लोग डाली मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप उन लोगों को ये पसंद आएगा जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया ना, जो 24-25 लोग हैं ना जो मेरी वीडियो रोज देखते हैं, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है मेरे, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग ना मतलब ऐसे बोले अच्छे हो, तो कभी हुआ जिंदगी में आप मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि 24-25 लोगों में से 1-2-3 लोग होंगे जो मेरे फ्रेंड होंगे, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनसे मैं बात करती हूँ, उसके अलावा तो सब मतलब इधर उधर के लोग होंगे, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने भी कर रखा थैंक यू सो मच, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। तो चलो हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोज़ देखी उसमें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो अब मैं कल नए बैकग्राउंड के साथ आपको मिलती हूँ, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, घर में रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, थैंक यू, बाय बाय। अगर हम ऐसा करके व्लॉग बनाएंगे तो अच्छा आएंगे, सुंदर कुछ गॉइस यार, क्या दिखाएं रोज रोज समझ नहीं आता यार, गलत डिसीजन डेली व्लॉगिंग का, अब नहीं बनाऊंगी, अरे यार कैसे व्लॉग कर रहे हैं, मेरे कैमरा पे हाथ चला गया, कहाँ से हटेगा ये रहा, कोई मुझे फ़ोन चलाना सिखाओ, मेरे फ़ोन में ब्लर आता है लेकिन मेरे को नहीं आता चलाना, तो क्या कोई मुझे सिखाएगा कि इसमें ब्लर कैसे होता है, क्योंकि मेरे घर में इतना गंद डालते हैं ना, इतना गंद डालते हैं ना, क्योंकि मेरा आसपास यार कुत्ते हैं, तो इनको ब्लर करूँगी मैं कल से, मैं बता दो कि मेरे फ़ोन में ब्लर का ऑप्शन कहाँ से आता है,
और मेरा फोन कौन सा है ये तो मेरे को ही नहीं पता। मेरा फोन है MI नहीं नोट करके कोई फोन होता है वो है मेरा फोन। तो अब मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया क्योंकि मतलब पहले मैं बैठी थी अब मैं उठ के व्लॉग करा। अरे हाथ लग गया यार, अरे इसको घुमा लेते हैं ऐसे करके। हाँ अबे ये पता नहीं कैसा है, बिट्टू मैं मार दूंगी चाटा। बैकग्राउंड चेंज ये हो गई है लाल दीवार, पहले मैं उधर सोफे पे लेट के पहले भी लाली थी शायद।